दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेटिंग के बारे में कि सेटिंग्स में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। हर मोबाइल में अलग फीचर्स होते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो एक से होते हैं। अधिकतर फीचर्स एक से ही होते हैं हर मोबाइल में, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, ये होता है वाईफाई का ऑप्शन। ये फर्स्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये वाईफाई का ऑप्शन है। यहाँ से हम वाईफाई किसी भी मोबाइल से हम अपने नेट को कनेक्ट कर सकते हैं और अपना डाटा, सामने वाले का डाटा यूज़ कर सकते हैं, आराम से नेट चला सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन होता है मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क में कई बार क्या होता है कि हमारे ऐसे नेट नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर खुद कमेंट से अभी मेरा ऑन था, ये मैंने बंद कर दिया, तो ये मेरा डाटा बंद हो चुका है। हम डाटा यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, डाटा मैंने चालू कर दिया है। ये पूरा अपना मंथ का आता है, दिस मंथ मैंने कितना यूज़ किया है, तो मंथली का ये ठीक है 6.80 GB, ठीक है। तो 6 GB मैंने यूज़ किया है। ये ड्राफ्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट है तीसरा ऑप्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम देख पाएंगे कि हमारा डाटा कितना, मतलब कि चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, आज हमने कितना यूज़ किया है और एवरेज, डेली एवरेज कितना यूज़ करते हैं, ये सारी ये हमारी डिटेल वगैरह ये सब निकल आएंगे। तो बैक करके हम देखेंगे ये सिम वन का, ठीक है पूरा। आगे हम बात करें तो अदर नेटवर्किंग शेयरिंग कनेक्शन आपको दिख रहा होगा। इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे कई सारे फीचर्स आते हैं। जो शॉर्टकट मेन्यू रहती है हमारे होम पेज पर, शॉर्टकट मेन्यू भी रहती हैं। जब हम ऊपर से स्क्रॉल करते हैं, किसी ऊपर से होता है, किसी मेरे यहाँ नीचे से होता है, तो यहाँ से हम स्क्रॉल करके निकाल लेते हैं, चालू कर लेते हैं। ये VPN पर्सनल हॉटस्पॉट, अगर हम किसी को अपना डाटा देना चाहते हैं तो इसके द्वारा हम यहाँ ऑन करके इसको ऑन करेंगे, ये हमारा डाटा चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हम उसको सिक्योर भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ पासवर्ड नहीं डला है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो चाहे जो कोई हमारा वो सेव कर लेगा और हमारा डाटा पूरा यूज़ कर लेगा। तो हमें पासवर्ड डाल के रखना है इसमें, ठीक है। हम पासवर्ड डाल सकते हैं और फिर यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। पासवर्ड डालने के बाद फिर ठीक है, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि पर डे आपका कोई भी अगर डाटा वाईफाई कनेक्ट करता है आपसे, तो आप कितना यूज़ करना उसको देना चाहते हैं, 200 MB, 100 MB, 50 MB, या कस्टम अपने हिसाब से आप और बना सकते हैं उससे ज़्यादा, तो वैसा है। और कनेक्शन कितने आप देना चाहते हैं, 1 कनेक्शन, 2 कनेक्शन, 3 कनेक्शन, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और कितने मिनट बाद ये ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी ये ऑप्शन अच्छा फीचर्स में दिया हुआ है, देख सकते हैं सब चार फीचर्स, ठीक है। अदर शेयरिंग मोड है और शेयरिंग मोड पर देख सकते हैं आराम से। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस अब VPN हमने देखा, तो VPN में क्या होता है, VPN में यानी कि कई बार होता है कि कोई साइट है हमारे यहाँ वर्क नहीं कर रही, अपने यहाँ गूगल में चल नहीं रही है। ऐसे भी पबजी आया था, तो पबजी भाई कई लोग क्या करते हैं, VPN लगा के पबजी खेलते हैं, तो ये VPN होता है। और प्राइवेट DNS, इससे अपन कोई लेना देना नहीं है। ब्लूटूथ से हम जान सकते हैं, ब्लूटूथ में हम कोई भी डिवाइस कनेक्ट करके प्लेयर चला सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं ब्लूटूथ में। और वायो शेयर, ये पर्सनल कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो जाता है सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। ये मिररिंग OTG, ये फिंगर सेंसर है, यहाँ से हम फिंगर से कोई किसी का अपन वो कर रहे हैं, उसकी कनेक्टर द्वारा ही चार्जिंग से हम फिंगर सेंसिंग अपने वो कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट के अंदर ये चालू हो जाता है। कई बार अपने लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल से मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिंगर लगा देते हैं, लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये फ़ोन में सारे फीचर्स आने लगे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मैंने 3 ऑप्शन आपको बता दिए हैं। अगले ऑप्शन की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगा।